Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the infinite knowledge hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं सोनिका शर्मा हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, हमने हमारी पूर्व की कक्षा में वाक्य की परिभाषा, उसके उदाहरण और वर्गीकरण के बारे में जाना। आज की हमारी जो कक्षा है, वाक्य के भेद के वर्गीकरण का जो पहला प्रकार है उस पर आधारित है। तो बढ़ते हैं हम आज की कक्षा की ओर। जो वाक्य भेद हमने जाना था कि वाक्य का जो भेद है वो मुख्य रूप से दो आधारों पर किया गया है, उसके अंतर्गत पहला जो भेद है वह है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रमुख रूप से आठ भेद होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? आठ भेद होते हैं, क्योंकि हर वाक्य अलग अलग अर्थ प्रकट करता है। तो जानते हैं हम ये आठ प्रकार कौन से हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा है इच्छावाचक वाक्य। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक। कुछ और आगे बढ़ते हैं हम। पांचवा है संदेहवाचक वाक्य, छः नंबर पे आएगा आज्ञावाचक वाक्य, सातवें नंबर पे आएगा संकेतवाचक, और वाक्य का अंतिम प्रकार होगा विस्मयादिवाचक वाक्य। तो यहाँ पर हमने वाक्य के अर्थ के आधार पर आठ भेदों के नामों को जानने का प्रयास किया। अब इन्हें हम विस्तार से जानेंगे। पहला आता है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य, प्यारे बच्चों, साधारण शब्दों में अगर लिया जाए तो विधानवाचक वाक्य वह होता है जिसमें किसी भी कार्य के सामान्य होने की जानकारी हमें प्राप्त हो। साधारण वाक्य जिसे हम कहते हैं वही विधानवाचक वाक्य होता है। परिभाषा जान लेते हैं। जिस वाक्य के द्वारा किसी कार्य के सामान्य रूप से करने या होने, या तो कर्ता के द्वारा सामान्य कार्य किया जाए या कोई कार्य स्वतः ही हो जाए, तो ये जानकारी हमें जिससे प्राप्त होती है वह होता है विधानवाचक वाक्य। उदाहरण हम जानेंगे। सूर्य पूर्व में उदय होता है, ये सर्व सामान्य सत्य है और सभी इसकी जानकारी रखते हैं। दूसरा है सुरेखा पत्र लिख रही है, ये भी एक साधारण सा कार्य है जो सुरेखा के द्वारा हो रहा है। तीसरा है पृथ्वी गोल है। अगला है हम विद्यालय जाते हैं, इसमें कोई विशेष बात नहीं नज़र आ रही है, सबके सब सामान्य है और इन सब की जानकारी हम सभी को है। अंतिम है दोपहर के बाद में शाम होती है। तो आप जान चुके हैं कि विधानवाचक वाक्य यानी साधारण सी क्रिया का घटित होना, साधारण सी क्रिया कर्ता के द्वारा की जाना या स्वतः ही हो जाना। बढ़ते हैं हम अर्थ के आधार पर वाक्य के दूसरे भेद की ओर, जिसका नाम है निषेधवाचक वाक्य। सरल शब्दों में निषेध का मतलब होता है मनाही, यानी जिस वाक्य के द्वारा किसी कार्य के न करने ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये निषेधवाचक वाक्य जो हमें किसी कार्य के न करने या न होने का बोध कराता है, ये जानकारी देता है कि कोई क्रिया नहीं हुई है, इसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण से जान लेते हैं हम। फूलों को मत तोड़ो, यानी यहाँ पर हमें फूल तोड़ने से मना किया गया है। मैं बाजार नहीं जाऊँगा, यहाँ पर भी बाजार जाने की मनाही प्रकट हो रहा, अर्थ प्रकट हो रहा है। अगला है क्रिकेट में हमें कोई नहीं हरा सकता है। उसके बाद में है राधा बिल्कुल नहीं नाचेगी, और अंतिम है हमारा सारिका नहीं आई। तो यहाँ पर इन सभी वाक्यों के अंतर्गत हमें क्रिया के न होने और न करने का बोध करवाया गया है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर निषेधवाचक वाक्य है। बढ़ते हैं हम हमारे तीसरे प्रकार की ओर, अर्थ के आधार पर वाक्य का
तीसरा भेद जिसका नाम है प्रश्नवाचक वाक्य। नाम से ही आप समझ चुके हैं कि जिस वाक्य के द्वारा प्रश्न पूछने का बोध हो, कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें कुछ पूछा जाए और पूछने का भाव जहाँ पर प्रकट होता है वह होता है प्रश्नवाचक वाक्य। नहीं हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब प्रश्न कैसे होते हैं, क्या तुम्हारे पिताजी डॉक्टर है, ये भी एक पहचान है, ये भी एक पहचान है इनकी। अगला है कल हम कहाँ जा रहे हैं, पूछा जा रहा है कि हम कल कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद में है तुम कब आओगे, पूछा जा रहा है कि आप कब आएंगे। और उसके बाद में क्या आप खाना खाओगे, यानी यहाँ पर भी पूछा जा रहा है कि आप खाना खाएंगे या नहीं। और अंतिम है हमारा क्या राहुल यह काम कर लेगा। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न सूचक शब्द और अंतिम में प्रश्नार्थक चिन्ह जुड़ा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सब के सब प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं हम हमारे अर्थ के आधार पर चौथे भेद की ओर जिसका नाम है इच्छावाचक वाक्य। इच्छाएं हर व्यक्ति के मन में होती है और वो अलग अलग प्रकार की होती है। जब भी व्यक्ति अपने मन के भावों को, अपने मन की इच्छाओं को प्रकट करता है इच्छा के आधार पर, आशीर्वाद के रूप में, शुभकामना के रूप में, तो जिन वाक्यों से इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का बोध हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों हर बार इच्छाएं हमारे लिए ही पैदा नहीं होती, कई बार हम दूसरों के लिए भी अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि इच्छा, आशीर्वाद और शुभकामना का बोध जहाँ पर भी होता है वहाँ पर इच्छावाचक वाक्य होता है। उदाहरण हम जानेंगे इसके, आपका जीवन मंगलमय हो, यहाँ पर भी मंगलमय होने की इच्छा प्रकट की गई है। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, ये भी इच्छावाचक वाक्य है। उसके बाद में है आयुष्मान भव, आपकी जो आयु है वो बहुत दीर्घ हो, लंबी हो। काश मेरे पास कार होती, तो हम कोरोना में कहीं नहीं जाते है ना, उसको भी यही रखते। उसके बाद में भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तो इन सभी वाक्यों में किसी न किसी अपने और अन्य के लिए इच्छाएं प्रकट की गई है जो कि आशीर्वाद और शुभकामनाओं के रूप में भी है। तो निश्चित रूप से ये यहाँ पर इच्छावाचक वाक्य का अर्थ प्रकट कर रहे हैं। बढ़ते हैं हम हमारे पाँचवें भेद की ओर जिसका नाम है संदेह। संदेहवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य का मतलब है किसी भी क्रिया के होने में संदेह हो, वो पूर्ण हुई है या नहीं, हो रही है या नहीं, हम उसके बारे में संभावना व्यक्त कर सकते हैं। तो जानते हैं हम परिभाषा को, जिन वाक्यों से काम के होने में संदेह हो, हम उस पर पूरा विश्वास नहीं कर सकते कि वो कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं। तो जिस काम के होने में संदेह अथवा हम उसके बारे में संभावना व्यक्त करें और ऐसे अर्थ का जहाँ पर हमें बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। आइए जानते हैं कैसे संदेह किया जाता है संदेहवाचक में। शायद मैं फिल्म देखने चला जाऊँ, जाऊंगा या नहीं ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद चला भी जाऊं। कहीं वह खो न जाए, खोने का डर यहाँ पर प्रकट हो रहा है कि कहीं खोएगा या नहीं ये पूरा निश्चित नहीं है। बढ़ते हैं आगे, अब तक रोहित घर पहुंच चुका होगा, यानी उसके घर पहुंचने की संभावना यहाँ व्यक्त की जा रही है। उसके बाद में शायद आज वर्षा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, मौसम के आधार पर हम बता सकते हैं कि हो सकती है। उसके बाद में है माँ अब तक खाना बना चुकी होगी, ये सब के सब भविष्य में होने वाली संभावनाएं प्रकट कर रहे हैं कि ऐसा हो चुका होगा या हो रहा होगा। तो यहाँ पर संभावनाएं और संदेह प्रकट किया गया है, इसलिए निश्चित रूप से ये संदेहवाचक वाक्यों के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं हम हमारे अर्थ के आधार पर जो छठा भेद है उसका नाम है आज्ञावाचक वाक्य।
आप सभी बच्चों ने अनेक अनेक लोगों की, अपने से बड़ों की आज्ञाएं मानी है और माननी भी चाहिए। हम देखते हैं यहाँ पर कौन सी आज्ञा है। परिभाषा है, जिन वाक्यों में आज्ञा हो, किसी से प्रार्थना की जाए, अनुरोध किया जाए या किसी को उपदेश दिया जाए। तो जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, अनुरोध या उपदेश आदि का बोध हो, उन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। यानी आज्ञा, प्रार्थना, अनुरोध सभी अर्थों को एक साथ प्रकट करने वाले वाक्यों को आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखते हैं हम, सभी छात्र खड़े हो जाओ, सभी छात्र खड़े हो जाओ। उसके बाद में है, कृपया शांति से बैठिए। उसके बाद में है, अब आप घर जा सकते हो। कृष्ण, आप चुप रहिए। और अंतिम है, सब विद्यार्थी कल व्याकरण की पुस्तक लेकर आए। इन सभी वाक्यों के अंतर्गत आज्ञा, अनुरोध, प्रार्थना, उपदेश आदि का भाव छिपा है, इसलिए यह निश्चित रूप से आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं हम हमारे सातवें प्रकार की ओर, जिसका नाम है संकेत वाचक वाक्य। संकेत कैसे किया जाएगा जानते हैं हम। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, यानी एक वाक्य में दो क्रियाएं होगी और दोनों क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर होगी, तो यहाँ पर क्रिया के निर्भर होने का संकेत है होगा। उदाहरण से हम देखते हैं, अगर रमेश पढ़ता तो पास होता। यानी पढ़ना और पास होना दो क्रियाएं। अब वो पास कब होता, जब वो पढ़ता, तो निर्भर हो गया उसके पढ़ने पर। दूसरा है, यदि वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। यानी फसल के अच्छी होने की जो बात है वह वर्षा के होने पर निर्भर करती है। वर्षा होगी तो फसल होगी, तो यहाँ पर भी निर्भरता जाहिर की गई है। अगला है, यदि वह परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। सफलता ऐसे ही प्राप्त नहीं होती है, उसे प्राप्त करने के लिए परिश्रम की आवश्यकता होती है। तो यही अर्थ यहाँ है कि अगर वह परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। तो सफलता परिश्रम पर निर्भर है। उसके बाद में है, जब दिनेश आएगा तब हम शिमला चलेंगे। जरूर चलेंगे हम शिमला। कब चलेंगे, रमेश आएगा तब। तो हमारा शिमला जाने का जो काम है वह दिनेश के आने पर निर्भर करता है। अगला है, अगर दादी जी आते तो कहानी ज़रूर सुनाते। तो कहानी सुनने का जो काम है, जो क्रिया है, वो दादी जी के आने पर निर्भर करती है। और अब हम बढ़ते हैं हमारे अंतिम अर्थ के आधार पर, जो वाक्य भेद है वह है विस्मयादि वाचक वाक्य। परिभाषा इस प्रकार है बच्चों, जिन वाक्यों में विस्मय हो, घृणा हो, प्रेम हो, हर्ष हो, शोक हो, आश्चर्य हो, यानी इतने सारे भाव जब वाक्यों के अंतर्गत प्रकट किए जाए, तो ये सब के सब विस्मयादि वाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। ये परिस्थिति पर निर्भर करता है कि किस समय कौन सा भाव प्रकट होगा। देखिए, अरे आप कब आए, किसी को देखकर आश्चर्य हुआ जिसके आने की संभावना नहीं थी, उन्हें देखकर हमारे मन में क्या भाव आएगा, अरे आप कब आए। उसके बाद में है, वाह कैसा सुंदर दृश्य है। प्रकृति का मनोहारी दृश्य देखकर मन में स्वतः ही निकलता है, वाह कैसा सुंदर दृश्य है। उसके बाद में कुछ नकारात्मक भी है, छी छी कितनी बदबू आ रही है, ये भी एक भाव है। उसके बाद में आ बहुत दर्द हो रहा है, ये भी एक प्रकार का भाव है। अब दर्द हो रहा है तो हम वहाँ पर प्रसन्नता नहीं प्रकट कर सकते, उसको प्रकट करने के लिए हमें कहना होगा आ बहुत दर्द हो रहा है। और अंतिम है हमारा, आहा कैसा सुहावना
मौसम है। इस प्रकार हमने इन वाक्यों के अंतर्गत अलग अलग भावों को उनको अलग अलग भाव के साथ प्रकट किया। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने वाक्य के अर्थ के आधार पर वाक्य भेदों को जाना, जिसके अंतर्गत हमने 8 भेद पढ़े और उनको उदाहरण से भी समझने का प्रयास किया। इसी के साथ हमारी आज की हिंदी व्याकरण की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड लिंक्डइन एज जैक एंड जिल अकेडमी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense and many more.